दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस के पब्लिक पोर्टल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक आपका सिम गुम हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गुम हो जाते हैं, तो आप उसकी यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही FIR भी दर्ज करा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सारी FIR दर्ज यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ कुछ ही चोरी की जो FIR हैं सिर्फ वो ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते हैं। कुछ नए किरायेदार अगर आप अपने यहाँ पर रख रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप रजिस्टर करा सकते हैं। कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ शिकायत है आपकी अगर पुलिस डिपार्टमेंट की, तो उनके हायर ऑफिशियल्स से आप यहाँ पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर कोई घर का काम करने वाली कोई नौकर है तो आप उनकी भी डिटेल यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, जैसे कि लूटे गए वाहन है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, गुमशुदा लोग हैं मध्य प्रदेश में जो जो गुम गए हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर है, पुलिस ने जो गाड़ियाँ जब्त करी हैं वो और जो अज्ञात शव मिले हैं पुलिस को उसकी भी यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आवश्यकता पब्लिक को पड़ती है, वो है FIR की कॉपी, जो जनरली पब्लिक को आसानी से मिलती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर से यहाँ पे OTP आएगा और OTP से लॉगिन कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर ये नंबर वगैरह मैंने डाल दिया था, तो YouTube ने उस पूरे कंटेंट को ही ब्लॉक कर दिया था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नंबर अभी नहीं डाल रहा हूँ। जब आप OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो पेज है इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर इस साइट की, यहाँ पर आपको ना केवल मध्य प्रदेश पुलिस थानों की FIR, बल्कि ये जो अपराध अनुसंधान विभाग है और EOW इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं, रिश्वत वाले या बहुत सारी संपत्ति को सरकारी अधिकारी जो इकट्ठी कर लेते हैं उनके ऊपर जो FIR अगर आप करना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही रेलवे नारकोटिक डिपार्टमेंट STF की FIR, लोकायुक्त हैं वहाँ की भी FIR आप देख सकते हैं, रेलवे पुलिस की, साथ ही साइबर सेल ऐसे और हर डिस्ट्रिक्ट की आप यहाँ पर FIR चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अनूपपुर में रहते हैं, अनूपपुर के किसी थाने की FIR चेक कर लेते हैं। हमारा थाना रामनगर, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रिसेंटली कौन से FIR कल की डेट में दर्ज हुई है। तो यहाँ पर आपको डेट डालनी है और ये सर्च बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए एक FIR यहाँ पर दर्ज हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है नंबर, ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको वो कॉपी डाउनलोड होती नहीं है, तो आपको क्लिक करना है इस जगह पे, ये जो सेव बटन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव एज PDF कर लेंगे, तो आपकी एक PDF कॉपी FIR की ये यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगी। और ये डाउनलोड कंप्लीट, अब ये भी देखिए किस पूरी डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, हो सकता है नहीं तो YouTube इसको भी ब्लॉक कर दे। तो ऐसे करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा कॉपी है यहाँ पर जो भी है FIR का, अगर आपके काम का है तो आप रखिए इसको। ऐसे करके आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी ज़िले का आप यहाँ से FIR की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और दूसरी सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर बाकी दूसरी जो सेवाएं हैं वो आपको लॉगिन करने के बाद ही मिल पाएंगी। और हर एक सर्विस का वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा 5 मिनट में, लेकिन आप FIR की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन को जो उन्होंने इतनी अच्छी सेवा दी है नागरिकों के लिए। ओके, धन्यवाद दर्शकों।